दोस्तों, मैं कमल, पहाड़ी कल्चर ब्लॉक में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ स्पेशल डिश बनाने जा रहा हूँ, और जो कि पहाड़ से रिलेटेड है, उत्तराखंड कुजीन से। तो आप देख सकते हैं, ये मेरी खुद की रेसिपी है। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया का तड़का मारेंगे, पहाड़ी धनिया। इसको हम थोड़ी देर रोस्ट करेंगे, उसके बाद अल्लाह इशिया वाला आवाज़ आ, छिया वाला आवाज़ आ, यहाँ अल्लाह देख क्या। अब हम यहाँ डालू छा वाला आवाज़, प्याज थोड़े दगड़ा मिक्स, प्याज को भूनना नहीं है। ये अभी अभी खेत से तोड़ के लाए हैं मूली के पत्ते। गैस स्लो करेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले कुछ नहीं डालना है हमको, थोड़ी सी नमक डालना है, स्वादानुसार नमक डालेंगे। ये तो इसका अगर मसाले डालेंगे तो मुँह पाता है या टेस्ट ख़राब हो जाए। बस अब हम इसको घुमाएंगे। बस अब हम इसको पकने देंगे, इसको जितना कम पकाओ उतना अच्छा होता है। अब हम दाल बनाएंगे, पहाड़ी दाल। ये उसके लिए प्याज टमाटर काटा है, और ये है दाल खोत, और घर की दाल है पूरी एक। इसमें चने मिक्स हैं गाढ़ा करने के लिए। इसको तेल गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम फिर थोड़ा सा इसमें धनिया डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें धनिया के दाने डालेंगे। धनिया के बीज तड़का, इसको गरम होने देंगे। थोड़ा सा ब्राउन होने देने के बाद हम उसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर और हरी मिर्ची हमें छाँटी डाल, मिर्ची पहले डालेंगे तो मिर्ची जल जाएगी, उसका टेस्ट कुछ नहीं आएगा। थोड़ा टमाटर फ्राई करेंगे, इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप स्वादानुसार ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें टमाटर को पूरे गलाने नहीं है, क्योंकि वो अपना रस छोड़ेंगे बाद में। और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, मसाले जल जाएंगे वरना। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये हमने पानी ऐड कर लिया, और उसके बाद थोड़ी सी इसको हम खोलने देंगे पानी को। अब इसमें हम दाल डालेंगे। थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि दाल भी गाढ़ी होगी, तो इसलिए पतली दाल अच्छी होती है, ज़्यादा गाढ़ी अच्छी नहीं होती है। तो हमें इसके बाद हम इसको ढक देंगे। ये ढकने के बाद हम इसमें स्लो आंच कर देंगे, इसको 8-10 सीटी आने के बाद इसको बंद कर देंगे, पक जाएगी। और बगल पे हमारा भात बन रहा है, ये देखो।
और यह है मूली की पत्ते की सब्जी, टपकी बोलते हैं इसको। पहाड़ी में जो टपकी उन्हें बता दियो। अब हम बनाएंगे झोली, पहाड़ी झो। यहाँ ये थोड़ा अलग स्टाइल से बना रहा हूँ मैं। थोड़ा सा बेसन लेंगे, बेसन के बाद हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, दही या मट्ठा जो भी मिल जाए। और यार दाजू पहाड़ में वह जो दया जो है खाने में जो और मज भाई जो यार, तुम गया दिल्ली वाले, तुम कहाँ पर खाचा दया जो पहाड़ दया जो है। हाँ आनंदा गोपाल दा वो तो मिल जाने भाई। अब हम इसी में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे, लाल वाली रेड चिली पाउडर। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, स्टिर करेंगे। हमने एक तरफ तेल चढ़ाया था, अब उसमें थोड़ी सी मेथी डालेंगे, मेथी सीड्स, मेथी सीड्स। थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अभी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्ची डालेंगे और इसको स्लो आंच में थोड़ी सी पकाएंगे, रोस्ट करेंगे, भूनेंगे। इसके बाद जो हमारा बैटर है बेसन और दही का, इसी में हमने मसाले ऐड किए हैं, ये थोड़ा घुल जाएगा अच्छे से। उसके बाद हमारा जो बैटर था दही और बेसन का, ये हम इसमें डालेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर 1 मिनट के आसपास हम इसको पकाएंगे, थोड़ा सा पकने देंगे ताकि जो बेसन घुला नहीं होगा अच्छे से घुल जाएगा। 1 मिनट पकने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक क्योंकि हमने पहले ऐड नहीं किया था, नमक आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मूली के पत्ते हो गए जो रेडी हो गए, इसमें हमारी दाल बन रही है, ये झोली है पहाड़ी झोली। यह दिल्ली वाला मुख में तो पानी उड़ने लगा देख वीर, और साइड में भात।